हेलो स्टूडेंट्स, जो भी आप किसी भी लैंग्एज में सीखना स्टार्ट करते हैं तो हर एक लैंग्एज की अपनी एक ग्रामर होती है जिन्होंने अंडरस्टैंड करना जो ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स की है उन्होंने अंडरस्टैंड करना साढ़े लिए सब तो पहला बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि हर एक लैंग्एज के डिफरेंट तरह के वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं तो हर एक वर्ड का एक अलग अपना डिफरेंट फंक्शन होता है और फंक्शन को समझने के लिए जो उस वर्ड का फंक्शन की है उसमें एक सैपरेट कैटेगरी या एक अलग पार्ट के रखा जाता है। सो इंग्लिश के भी इस तरह बहुत सारे वर्ड है जो कि अलग अलग तरह का काम करते हैं और हर एक वर्ड का अपना एक अलग रोल होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ द वर्ड उस वर्ड के रोल के अकॉर्डिंग ही उसको अलग पार्ट ऑफ स्पीच के जोड़ा रखा जाता। सो की ने पार्ट ऑफ स्पीच जेडे कि बेस है इंग्लिश लैंगुएज का जो कि सीखने तो पहले सानू समझ लेने चाहिए ने कि चीज़ें है। सो इंग्लिश के भी अलग अलग तरह के वर्ड्स अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिवाइड किए हुए हैं। की ने पार्ट्स ऑफ स्पीच जेडे कि इंग्लिश सीखने तो पहले अंडरस्टैंड करने बहुत ज़्यादा जरूरी ने आप देखते हैं इस वीडियो। सो आप देखते हैं कि इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच है जिन्होंने अंडरस्टैंड करना साढ़े लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इंग्लिश में सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं। सो साडे कोल इंग्लिश दे विच टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैगे ने जिन्हां दे उत्ते सारी इंग्लिश जिहड़ी बेस्ड हैगी और बेसिकली तकरीबन पंजाबी लैंग्वेज दे विच वी साडे कोल इन्ने कि जिहड़े अलग अलग तरह के व्याकरण के पार्ट जिहड़े हैगे। सो आपां स्टार्ट करदे हां फस्ट तों। साडे कोल फस्ट जिहड़ा पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश दे विच हैगा ओह नाउन हैगा या नाउन की हैगा या अगर आपां इहनूं बेसिकली छोटी जी इंट्रोडक्शन देिए या डेफिनेशन देिए तो आप कह सकते हैं कि नेम ऑफ ए परसन प्लेस और थिंग किसी भी चीज़ का या किसी भी परसन का या किसी भी जगह का जो नेम आ सिंपली नाउन जो इंग्लिश कह सकते हैं। नाउन की इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा हैगी है इंग्लिश के। सो इस करके नाउन सानू अंडरस्टैंड करना इंपोर्टेंट है। सो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो राम सिटी या बॉय आप कह सकते सिंपली कि एग्जाम्पल्स है नाउन। नैक्सट साढ़े को प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली एक नाउन रिप्लेस करता है लैंग्वेज के लिए ताकि किसी नाउन का जो रेपीटेशन है वह ना हो। प्रोनाउन सिंपली किसी भी नाम जो जगह पर वरत्या जाने वाला एक अलग तरह का वर्ड होता है जो कि रेपीटेशन होने तो बचाता है किसी भी नाउन का। सो प्रोनाउन आप सिंपली भी रिप्लेस से नाउन एक नाउन रिप्लेस करता है। जो आप एग्जाम्पल देखिए प्रोनाउन के तो आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं वी यू ही शी आई। सो ये है एग्जाम्पल्स या होर भी बहुत सारे प्रोनाउन साढ़े को है जो कि आप नैक्सट वीडियो डिटेल कर। सो इस अगर आप देखिए वर्ब बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जी इंपोर्टेंस जी वर्ब की हैगी इंग्लिश क्योंकि आप इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज स्पैशली आप इंग्लिश की गल करिए तो जो भी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस जो पॉसिबल नहीं है इंग्लिश बना। सो इस करके वर्ब की इंपोर्टेंस कह सकते हैं कि आप वर्ब तो बिना इंग्लिश नहीं हो सकती। सो वर्ब का बेसिकली रोल की हैगा इंग्लिश आप देखिए तो किसी भी काम के किसी भी एक्शन का होना या किसी भी स्टेट का सानू जो चीज़ दसती है किसी भी सेंटेंस के नॉर्मली वर्ब कह दें। मीनस कि अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम बोलता पाया मैं तो दसता पाया मीनस मैं एक्शन करता पाया बोलन का। सो बोलना इतने की है एक वर्ब है। सो किसी भी एक्शन जो वर्ड शो करता है इंग्लिश के सिंपली आप जो वर्ब कह दें। एग्जाम्पल देखिए तो यदि आप डू है ये सारे जो अलग अलग तरह के वर्ब जो इंग्लिश के यूज किए जाते हैं। नैक्सट आप देखिए तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की इंपोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो आप इंट्रो डेफिनेशन देखिए तो आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा मोडीफाई करता है एक नाउन या एक नाउन डिस्क्राइब करता है मीनस कि जो लिंक है सिंपली नाउन के नाल है। एडजेक्टिव की आप गल करिए तो पंजाबी के विशेषण कह सकते हैं जो कि किसी नाम की विशेषता दसदा है उन्होंने भी आप विशेषण जरा एडजेक्टिव इंग्लिश जो कहने है। ये भी आप अगर आप एग्जाम्पल देखिए तो आप कह सकते हैं कि सो ये सारी एग्जाम्पल्स जो एडजेक्टिव भी है। गुड मीनस की किसी चीज़ में जो आप चंगा कहने तो आप इट मीनस की गुड वर्ड जरा किसी चीज़ में मोडीफाई करके सूँ दसता भी वो चीज़ चंकी आ जा माड़ी आ जा बोरिंग हैगी है। सो एडजेक्टिव हमेशा किसी भी नाउन जो मोडीफाई करता है जो सानू बारे ज़्यादा इनफॉरमेशन जी दिता है। नैक्सट आप देखिए तो सब तो नंबर 5 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वह है एडवर्ब।
एडवर्ब की जो अपन सिंपल जी डेफिनेशन देखिए तो एक एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब को किसी नाउन को किसी प्रोनाउन को या किसी एडजेक्टिव की सानू विशेषता दसता मीनस कि किसी भी वर्ब को मोडीफाई करता उसको आप एडवर्ब कह देंगे यदि अगर आप एग्जाम्पल देखिए एडवर्ब की की हैगी फॉर एग्जाम्पल कि कई बार आप कहने कि सॉरी राम दौड़ता सिंपल सेंटेंस हो गया बट आप कही कि राम तेज दौड़ता है तेज को आप इंग्लिश के कह सकते हैं फास्ट इट मीनस कि राम किस तरह दौड़ता है वह चीज़ दसने के लिए सानू वर्ड वरतना पाया फास्ट सो फास्ट वर्ड जो इस टाइम वो एक्शन मोडीफाई करता पाया कि वह एक्शन किस तरह हो रहा स्लो हो रहा या फास्ट हो रहा सो इतने आप कह रहे हैं कि राम तेज दौड़ता है इट मीनस कि फास्ट दौड़ता है इट मीनस कि एक्शन डिस्क्राइब करता पाया फास्ट वर्ड इन आप इंग्लिश के एडवर्ब जो कह सकते हैं नैक्सट देखिए प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन हमेशा ही किसी नाउन दूसरे वर्ड्स के नाल इंग्लिश के जोड़ती है इट मीनस कि यह संबंधक का काम करती है संबंध दिखाती है दो चीज़ों के आपस का स्पैशली वर्ब या नाउन के नाउन का नाउन के आपस के संबंध जो शो करती हमेशा प्रेपोजिशन सो प्रेपोजिशन काफ़ी है इंग्लिश के बट आप एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं ऑफ विद फॉर सो काफ़ी जिहड़ियां प्रेपोजिशनस है जो कि इंग्लिश वरतिया जाए दो वर्ड्स आपस के रिलेशन दिखाते हैं नैक्सट आप देखिए कंजंक्शन कंजंक्शन भी स्टूडेंट्स तकरीबन सेम जी प्रेपोजिशन की तरह हैगी जो कि वरती जाती है लिंक करने के लिए स्पैशली दो क्लोजेस क्लोजेस की है अलग वीडियो देख सकते हैं क्लोजेस जोड़न के लिए या फिर सेंटेंसिस या फिर वर्ड्स आपस के जोड़न के लिए कंजंक्शन की जी वरतों इंग्लिश की जाती है जो कि सेम तकरीबन प्रेपोजिशन की तरह आप कह सकते हैं कि दोनों आपस के सिमिलर काम करते हैं एक दूसरे को जोड़न का काम करते हैं बट इतने की है प्रेपोजिशन नाउन नाउन या वर्ब नाउन के जोड़ते हैं बट कंजंक्शन जी है दो क्लोजेस दो सेंटेंसिस या फिर वर्ड्स आपस के जोड़ सकती है सो फाइनली आप गल करिए नंबर 8 के पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंटरजैक्शन इंटरजैक्शन का रोल भी अहम है इंग्लिश के असी अलग अलग तरह फीलिंग्स जिहड़ियां हमेशा ही एक्सप्रेस करते हैं किसी भी लैंग्वेज के सो इंग्लिश के अगर तुम किसी भी फीलिंग एक्सप्रेस करना तो सू अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन जो देने पैंते हैं अलग अलग तरह के अगर आप राइटिंग करते हैं तो सू जो चिन्ह यूज करने पैंते हैं उस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए सो अगर आप सिंपल चिन्ह की गल करिए किस तरह के चिन्ह जो इंटरजेक्शन के होंगे तो आप सिंपली एक्सक्लामेशन या फिर क्वेश्चन मार्क्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो ये तो है जी जे आप चिन्ह यूज करते हैं इंटरजेक्शन के नाल अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए बट समटाइम्स असी कभी कभी डिफरेंट तरह के वर्ड भी यूज करते हैं हैरानी प्रगट करने के लिए या दुख प्रगट करने के लिए किसी सो उस तरह के कि वर्ड जो है आप इंग्लिश के जो देखते हैं आप इंटरजेक्शन फॉर एग्जाम्पल इस तरह के आप ऊप्स या फिर आउच तरह के वर्ड जो हमेशा आप यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे हाथ से फोन हो गए तो फोन बाय चांस ऐ डिगे तो मैं सिंपली कह सकता कि आउच असी हैरान करने वाला जो एक वर्ड है बच सकते हैं सो ये इंटरजेक्शन होप है कि तुम 8 के 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड हो गए बट नैक्सट वीडियोज़ में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के उत्ते एक सैपरेट वीडियो जी बना के तुहाडे लैके आवांगा ताकि तुहानू हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में समझना होर भी ईजी हो जाए उन्होंने वीडियोज़ के मैं दसूंगा कि यह सारे पार्ट ऑफ स्पीच का अलग अलग यूजेस की है किमें इन्हों आप यूज करना है इंग्लिश के इन्होंने की इंपोर्टेंस जी हैगी सो स्टूडेंट्स अगर तुम्हें मेरी वीडियो चंगी लगती है तो प्लीज़ साढ़े चैनल में सबसक्राइब करो तो बाकी शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट जो घर बैठ के